हेडलाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। अगले सीजीआई बोबड़े ने सोशल मीडिया पर आलोचनाओं को लेकर कहा, जजों को परेशान देखकर दुख होता है। न्यायमूर्ति बोबड़े ने कहा कि शीर्ष प्राथमिकता समय पर न्याय मुहैया कराना है और इनमें न तो ज्यादा देरी की जा सकती है और न ही जल्दबाजी। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी से अपराधों में वृद्धि हो सकती है और इससे कानून का शासन भी प्रभावित हो सकता है। न्यायाधीशों की उनके कुछ न्यायिक कार्यों के लिए सोशल मीडिया पर आलोचनाओं को गंभीरता से लेते हुए देश के अगले प्रधान न्यायाधीश सीजीआई न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े का कहना है कि जब वह न्यायाधीशों को परेशान देखते हैं तो उन्हें दुख होता है। सत्यपाल मलिक बन गए गोवा के राज्यपाल। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने राजभवन में दिलाई शपथ। मुख्य न्यायमूर्ति प्रदीप नंगराजोग ने सत्यपाल मलिक को शपथ दिलाई। सत्यपाल मलिक 3 नवंबर को गोवा के राज्यपाल बन गए हैं। इससे पहले सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। खरीदना है एसयूवी कार तो आ रही है मारुति सुजुकी की नई विटारा ब्रेजा। मारुति सुजुकी ब्रेजा का नया वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। नई ब्रेजा में नया एक्सटीरियर दिया जाएगा जिससे इस कार में नयापन दिखेगा। इस कार की नई स्पाई इमेज भी सामने आ चुकी है। इससे पता चलता है कि कार के फ्रंट लुक में काफी बदलाव होने वाले हैं। कार के इंटीरियर में बदलाव देखने को मिलेगा, इसके साथ इंजन में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटे के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। धन्यवाद।